प्रदेश के फतेहपुर जिले में डेंगू के 4 मरीज मिलने के बाद भी जिले का स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं दिख रहा और डेंगू के मरीजों के लिए जो वार्ड बनाए गए हैं उसमें ताला पड़ा हुआ है। आप विजुअल्स में भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से वार्ड में ताला पड़ा हुआ है। लेकिन CMO साहब के मुताबिक डेंगू के मरीज मिलने के बाद डेंगू के मरीजों के लिए वार्ड तैयार कर दिए गए हैं और जांच के लिए मशीनें भी वार्ड में लगवा दी गई हैं और मरीजों के लिए पर्याप्त बेडों की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन CMO साहब का यह बयान बिल्कुल झूठा साबित होता है क्योंकि वार्ड तो तैयार है लेकिन उसमें ताला पड़ा हुआ है। वह इस मामले में CMO विनय पांडे ने बताया कि जिले में 4 डेंगू के पेशेंट की पुष्टि की गई है। मेडिकल कॉलेज लखनऊ व कानपुर द्वारा की गई है जिसमें से एक डेंगू से ग्रसित मरीज की मौत भी हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरा इंतजाम किया हुआ है और गांवों से समय समय पर दवाएं भी छिड़काई जा रही है और डेंगू के मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पहले क्या व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा? अब तक डेंगू के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये रिपोर्टिंग मेडिकल कॉलेज कानपुर KGMC से हुई है जी। एक की डेथ हो गई था उनमें, बाकी 3 का जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं डेली अपडेट करा के निरोधात्मक कार्रवाई कराते जा रहे हैं। वहाँ की जनता को शिक्षित करना, सफाइयाँ घर में बाहर में स्प्रे कराना, एंटी लार्वल फॉगिंग हम कराते जा रहे हैं। इसके अलावा भी जिले में जहाँ जहाँ भी MOIC के द्वारा और टीम के द्वारा हम उनको सब कुछ शिक्षित भी कर रहे हैं और इससे बचने के जो उपाय हैं उसको अभी प्रसार प्रसार हम लगातार कराते चले जा रहे हैं। जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था? जिला अस्पताल में है, डेंगू वार्ड बना हुआ है, उसमें जाँच की भी व्यवस्था है और ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, हमारे बेड्स उसमें सुरक्षित हैं।